नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि झा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं आज की देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पे। केजरीवाल बोले, शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया। ईडी समन पर कहा, भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। 20 महीने के ब्रेन डेड रियांश का अंगदान, 5 लोगों को मिला नया जीवन। पहली बार सूरत से मुंबई तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। जलंधर डीएसपी दलबीर सिंह हत्याकांड, पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। एमपी और यूपी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में पारा 1 डिग्री तक गिरा। 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। लुधियाना में बड़ा हादसा, टिब्बा रोड और संधू कॉलोनी के गोदाम में लगी भयानक आग। लोग आग बुझाने की हर कोशिश कर रहे। 3 महीने में तैयार हुआ राम मंदिर का गोल्ड मॉडल। मेरठ के सराफा कारोबारी ने बनाई श्री राम ज्वेलरी सीरीज। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में होगी प्रदर्शित। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच होगी। आरोप, नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। भाजपा बोली, दारू के बाद अब दवा घोटाला। हरियाणा में माइनिंग कारोबारियों पर ईडी रेड। कांग्रेस एमएलए समेत 3 नेताओं के 20 ठिकाने खंगाल रही टीमें। मनी लॉन्ड्रिंग के शक में जांच। अमेरिकी कोर्ट में महिला जज पर हमला, आरोपी ने जज की चेयर पर छलांग लगाई। जेल भेजे जाने के फैसले से नाराज था। मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए। राष्ट्रपति मुइजू बोले, यही हमारे नागरिकों की इच्छा, इससे दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News।